समय से हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में लिप्त तीन चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओपी प्रशांत सिंह भदौरिया ने मीडिया को दी। प्रेस ब्रीफिंग में एसडीओपी ने बताया कि चोरी व नकबजनी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों और गिरोह के अन्य सदस्यों से बारे में जानकारी जुटा रही है। सोनकच्छ पुलिस ने लंबे समय से हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में लिप्त तीन चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओपी प्रशांत सिंह भदौरिया ने मीडिया को दी। और प्रेस ब्रीफिंग में एसडीओपी ने बताया कि चोरी व नकबजनी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। समय से बाइक चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी हैं, खासकर लॉकडाउन खुलने के बाद भी। तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि टीम बनाकर सतत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जनता से भी काफी शिकायतें आती रही हैं समय समय पर, गणमान्य नागरिकों द्वारा, पत्रकारों द्वारा। उसको लेकर एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी, उसमें जनता भी थी। जनता के कुछ लोगों ने, गणमान्य नागरिकों ने अच्छा सहयोग किया पुलिस के साथ और टीम बनाकर हमने कुछ लोग पकड़े थे, मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल के कागज वगैरह वो नहीं प्रस्तुत करवाए। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एरिया न्यूज। नमस्कार।